मध्य प्रदेश लघु वेतन कर्मचारी संघ ने शुक्रवार को राजधानी के नीलम पार्क पर आमसभा कर सरकार का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया। गौरतलब है कि लघु वेतन कर्मचारी संघ अपनी 13 सूत्री मांगों को लेकर लंबे समय से संघर्षरत है। उनके द्वारा पहले 3 चरणों में आंदोलन किया जा चुका है। लघु वेतन कर्मचारी संघ ने आम सभा करते हुए सरकार को चेतावनी दी कि अगर उनकी मांगों का शीघ्र निराकरण नहीं किया गया तो फिर वह अगले चरण में उग्र आंदोलन करने के लिए विवश होंगे। प्रांताध्यक्ष मध्य प्रदेश लघु वेतन कर्मचारी संघ, मध्य प्रदेश लघु वेतन कर्मचारी संघ में मई में महासमिति की बैठक में 6 चरणों में आंदोलन करने का निर्णय लिया था। जो हमारे 5 चरण थे, विभिन्न माध्यम से माननीय कलेक्टर, माननीय संभागीय आयुक्त, माननीय मंत्रियों को अपने ज्ञापन दिया है। आज हमारा 6वां चरण है जिसमें पूरे प्रदेश के तमाम संभाग, जिला, तहसील, ब्लॉक के कोटवार साथी, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका, रसोईया, मिड डे मील की रसोईया, नियमित सेवा के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, स्थायी कर्मी, दैनिक वेतन भोगी, संविदा, अंशकालीन तमाम कर्मचारी आज इस मंच पर है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि सरकार ने जो वचन पत्र दिया है उसका पालन नहीं किया, जिससे हमारे कर्मचारियों में आक्रोश है। निश्चित रूप से सरकार को 1 वर्ष हो चुके हैं और आपके कर्मचारी आयोग का गठन भी हुआ है। अभी सरकार से बहुत उम्मीदें हैं, लेकिन जो अनार्थिक मांगे हैं उसके आदेश सरकार को जारी करना चाहिए, और जारी नहीं करने से आक्रोश है। हम सरकार से उम्मीद करते हैं कि जल्दी से जल्दी, अगर नहीं मानेंगे तो जिस तरीके से भोपाल में इस तरीके का आंदोलन आप देख रहे हैं, हर जिले में ऐसे आंदोलन किया जाएगा। उसके बाद भी मांग पूरी नहीं होगी तो बल्लभ भवन का घेराव करेंगे।